टुडे वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ लेसन 18 ऑफ इंग्लिश ग्रामर. ओके, सो एट्स फर्स्ट ग्लॉसरी. ये ग्लॉसरी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे. यहाँ मीनिंग दी हुई है आपको. हाइपर मीन्स यंग काउ, लोइंग मीन्स डीप साउंड मेड बाय कैटल, श्रवण मंथ ऑफ हिंदी कैलेंडर ड्यूरिंग विच यूजुअली इट रेन्स, कॉमरेड्स कंपेनियंस मॉक्ड मेड फन ऑफ, एल्टर रेस्ड प्लेटफॉर्म ऑन विच ऑफरिंग आर मेड टू गॉड, कॉन्च शेल हार्ड आउटर शेल ऑफ अ सी एनिमल, और रॉथ मीन्स एंग्री. ओके, नाउ एक्सरसाइज, लिसन एंड रिपीट. हाइफर्स मॉक्ड रोइंग, लोइंग गैली कॉन्च शेल, ब्रीज गारमेंट्स एल्टर, टाइट फ्लोइंग वर्शिप, फार्म लाउडली ग्लोइंग, ब्लोइंग श्राइन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर टू, कंप्रेहेंशन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन. वेयर डिड राधा कैरी हर कर्ड्स टू? सो राधा कैरीड हर कर्ड्स टू मथुरा फेयर. सेकेंड, वॉट डिड शी कंपेयर हर कर्ड्स टू? शी कंपेयर्ड हर कर्ड्स टू व्हाइट क्लाउड्स इन द स्काई. थर्ड, वॉट डिड शी क्राई आउट एंड वाई? वो क्या चिल्लाती थी और क्यों चिल्लाती थी? शी क्राइड आउट गोविंद गोविंद. सी डिड सो बिकॉज हर हार्ट वॉज फुल ऑफ द ब्यूटी ऑफ हर बीलव्ड कृष्ण. वो गोविंद गोविंद चिल्लाती थी और वो ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि उनका हार्ट गोविंद या कृष्ण की ब्यूटी से भरा हुआ था, उनकी सुंदरता से भरा हुआ था, उनके प्यार से भरा हुआ था. नेक्स्ट, व्हाट डिड हर कॉमरेड्स आस्क हर टू डू? उसके कॉमरेड्स, राधा के जो कॉमरेड्स साथी थे, वो उससे क्या करने के लिए कह रहे थे? हर कॉमरेड्स आस्क हर टू डू सिंग एंड डांस, वियर सैफरन गारमेंट्स एंड प्लक न्यू बर्ड्स. वो कह रहे थे कि सिंग करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और सैफरन गारमेंट्स पहनते हैं और न्यू बर्ड्स को प्लक करते हैं. ठीक है, वो ये सब कह रहे थे और स्प्रिंग सीजन का वेलकम करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड हर कॉमरेड्स मॉक एट हर? उसके जो साथी थे, कॉमरेड्स जो थे, उसका मजाक क्यों बना रहे थे? हर कॉमरेड्स मॉक्ड एट हर बिकॉज शी क्राइड गोविंद गोविंद, क्योंकि वो चिल्ला रही थी गोविंद गोविंद, इतनी बिजी थी कि वो किसी का भी नहीं सुन रही थी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड शी डू एट द एल्टर? वो जहां भगवान से प्रार्थना करते हैं, वहां पर, उस प्लेस पर, उस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर क्या कर रही थी? सी फोल्डेड हर हैंड्स एट द एल्टर एंड प्रे. वो वहां पर प्रे कर रही थी. ठीक है, प्रार्थना कर रही थी. वाई वर हर कॉमरेड्स एंग्री? उनके जो कॉमरेड्स थे, साथी थे, वो गुस्से में क्यों थे? हर कॉमरेड्स वर एंग्री बिकॉज सी बिजीड हर सेल्फ इन द वर्शिप ऑफ हर बीलव्ड कृष्ण. वो इसीलिए गुस्सा कर रहे थे, एंग्री थे, क्योंकि वो खुद में बहुत ज्यादा बिजी थी. और बिजी किस बात में थी? वो अपने प्रिय कृष्ण की पूजा में या वर्शिप में बहुत बिजी थी, इसीलिए वो गुस्सा कर रहे थे. ठीक है, नाउ हेयर वर्ड पावर इज गिवन. सिलेक्ट वर्ड्स फ्रॉम दीज एंड राइट देम इन कॉलम विद द वर्ड दे राइम विद. यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और यहाँ पर भी कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो इनके राइमिंग वर्ड्स आपको वहां से फाइंड करने हैं. ठीक है, तो वो फाइंड करके आप लिखेंगे. ओके,
तो यहाँ पर आपका लेसन 18 कंप्लीट होता है, तो इसे आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। ओके, टुमारो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट लेसन।